नमस्कार किसान भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये कद्दू का प्लॉट है। हमने आपको पहले बताया था कि इसकी सोइंग जो है मई महीने में हुई है और ये पूरी बारिश में अभी तक खेत जीवित है। इसको जीवित कैसे रखा गया ये देख सकते हैं आप। अभी भी कद्दू का साइज और शेप कलर काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इसमें आज ये दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से इसको छोड़ दिया गया है इसकी स्थिति पर। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे हमने इस पर गौर करना बंद कर दिया, वैसे ही आप देख सकते हैं ये जो कद्दू है इस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक आ चुका है। ये वाला कद्दू देखिएगा और ये देखिएगा बेल, ये वाली बेल देखिएगा, ये फ्रूट फ्लाई का सिम्टम्स एक, ये मॉल पर फ्रूट फ्लाई का सिम्टम्स एक, ये फ्रूट फ्लाई का सिम्टम्स। मेरे किसान भाइयों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो किसान भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा बारिश में कद्दू गल गया है, कोई भी कद्दू बारिश के कारण नहीं गला है। हर एक एक कद्दू के नीर में फ्रूट फ्लाई का डंक है। फ्रूट फ्लाई के अटैक से आप उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो फ्रूट फ्लाई का अटैक मैंने दिखाया, मैं आपको अपने प्लॉट की एक झलक ऊपर की ओर से दिखाता हूँ। इसको आप वीडियो में देखिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या यह प्लॉट दिवाली तक चल सकता है। देखिएगा एक बार। तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से एक बार फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रैप को ठीक करेंगे और फ्रूट फ्लाई के लिए कुछ कॉम्बिनेशन स्प्रे लगाएंगे। वो कॉम्बिनेशन स्प्रे हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिखाएंगे। मेरा सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन फ्रूट फ्लाई को कम करने के लिए प्रोफेनाफोस और साइपरमेथ्रिन होता है, जिसको मैं 15 लीटर पानी में 25 ml लगाता हूँ और साथ में 20 ग्राम एसीफेट और साथ में 20 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करता हूँ। और अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसमें क्या फ्रूटिंग हुई है। आज हमने इसकी तोड़ की, इसमें कितनी पैदावार हुई है। ये अभी कद्दू का साइज काफ़ी लगा हुआ है। आइए मैं आपको अपने ट्वेल पर लेके चलता हूँ और वहाँ आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ कि कद्दू में अभी कितना दम है। देखिएगा ये आज जो तुड़ाई हुई है, परसों भी हमने तुड़ाई की थी, आज 16 अगस्त में भी की है। आज जो है 4 क्विंटल माल हुआ है, भाव के हिसाब से तो ठीक है, परंतु इस मौसम में कद्दू जीवित है यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी कद्दू का बोरा चला हुआ है और पूरा अगस्त कद्दू लगेगा, 10 सितंबर तक हमारे यहाँ एरिया में कद्दू लगता है, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। और उसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप को कैसे लगा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने प्लॉट में जिसमें काफ़ी फ्रूट फ्लाइयाँ आके फंसी हुई है। देखिएगा ये हमने घर का ही एक जुगाड़ बनाया हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी फ्रूट फ्लाई फंसी हुई है। ये फ्रूट फ्लाई मर चुकी है, एक बोतल को काट के हमने ट्रैप बनाया है। इस ट्रैप में हमने टिक्की लगाई है, इस टिक्की पर एक ऑयल आता है डालने के लिए, जिसकी खुशबू पर फ्रूट फ्लाई मोहित होती है और वो उसमें अंदर जाके फंस जाती है, वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाती। ये भी काफ़ी 70 से 75% फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। अगर हम अपने खेत देखें कि इसकी मोल कैसी हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारी एक मोल है खेत की, वो भी एक मोल है उधर से, और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको हिलाया, वाइट फ्लाई मुझे दिखाई दे रही है। कल को हम इसमें एक वाइट फ्लाई का स्प्रे लगाएंगे। जो सबसे प्यारी दवा है वाइट फ्लाई के लिए वो है अडामा कंपनी की टकाप, जिसमें 2 टेक्निकल आते हैं, डाइपैंथ्रान प्लस बाइपैंथ्रान। ये ऐसी फॉर्मूलेशन में आती है, साथ ही साथ इसमें जो है पाइटोथोनिक एसिड होता है, जिस पाइटोथोनिक एसिड से खेत में हरियाट आती है। इस दवाई के यूज से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक बात बताता हूँ, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी दवाई आती हैं, अगर उनकी पूरी डोज पर खेत में फॉयलर स्प्रे किया जाए तो वो पत्तों पर कहीं ना कहीं बर्निंग लाती है। वो इसलिए क्योंकि वो हैवी टेक्निकल्स होते हैं, इसीलिए जो ये
अडामा कंपनी का टकाफ है। इस कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट में पाइथाथोनिक एसिड का प्रयोग किया है, जिसके कारण पत्तों में हरियाहट दिखाई देती है। मैं आपको अगर टकाफ की डोज बताऊं वाइट फ्लाई के लिए, जैसे हमारा खेत ये काफ़ी बड़ा है और इसकी बेलों का विकास भी काफ़ी अच्छा है, तो इस पर 15 लीटर पानी में आप 25 ml का प्रयोग करेंगे। इससे ऊपर जाएंगे तो ये भी नुकसान दे सकती है। आपको कद्दू से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किस समय कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए और किस समय क्या स्प्रे करें। अगर आपको कद्दू से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।